हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आप सभी का फिर से स्वागत हमारे नए दिन के नए ब्लॉग में। आज बहुत ज़्यादा लेट ब्लॉग चालू हुआ क्योंकि अभी देखो कितने बज गए 8:10 ऑलरेडी हो चुके और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहा था क्योंकि दोपहर को पता नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सा फील हो रहा था तो मैं सीधा सो ही गया, कुछ करा ही नहीं। और हाँ, ब्लॉग बना के रख दिया था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा उसका। तो अभी टाइम हो गया जिम का, तो एज यूजुअल हम चले आएंगे जिम। तो जिम का तो हम रेडी हो चुके हैं, सब चीज़ हमारा तैयार हो चुका है, तो हम सीधा भी निकल ही जाएंगे। आई थिंक आज होगा हमारा जो चेस्ट डे, तो हो गया आज सात डे होगा, क्या कहते हैं अपने बाइसेप डे, आज सात बाइसेप डे होगा, कल लेग डे, देखते हैं आज क्या सीन होता है। तो हम आ चुके हैं जी अपने, ये पता नहीं तापी नदियाँ क्यों बन गई। अभी भी पूरा कार्य करा और पूरा हमारा वर्कआउट डन। अभी हो कितने बजे, 10 बजते में सिर्फ 2 मिनट कम है और अब हम करेंगे 67-800 हो गया, मतलब कल था 68.150 और आज हो गया 67। तब ये लोग बच्चे खेले और अम्मी ने आज बनाया था वो क्या कहते अपना सैंडविच बनाई थी हाँ, तो आज अम्मी ने ये सैंडविच बनाई थी लेकिन मैं सैंडविच खा नहीं सकता क्योंकि सैंडविच ना बोला क्योंकि मेरा जो डाइटिंग चल है तो वो हिसाब से मैं ऐसा कुछ जंक फूड वाला मैदे वाला आइटम तो बिल्कुल खा नहीं सकता, तो वो हिसाब से मैं सिर्फ खाऊंगा देखो ये चिकन पहले बनाऊंगा, मतलब ये रोटी की हम फ्रेंकी बनाएंगे, रोटी बाहर से लेकर इसकी हम फ्रेंकी पूरी बनाएंगे, बहुत टाइम बाद बनाने वाले हैं, मैं खुद भी बनाऊंगा ये स्टैंड। अब इसे यहाँ लगा देते और चालू करते, पहले सब सेटअप कर लेते क्योंकि सेटअप में चाहिएगा हमें पहले ये शेजवान चटनी, फिर ये सब क्या है, हाँ ये माइनस अब चाहिएगा सॉस में चाहिएगा और चाहिएगा गोभी चाहिए कि नहीं क्या पता, गोभी नहीं है तो कुछ नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। तो आज है घर का देसी, घर में हम बनाएंगे फ्रेंकी। क्या है तुम लोग का, ये क्या पीना, वाह तभी तैयार हो गई, हाँ प्याज काट ले प्याज करना पड़ेगा, प्याज काट ले वहाँ बोल बोल सीधी भी करेगी तुम्हें चलेगा, बाकी हम पूरा कैमरा सेटअप कर ले। तो गाइस हम शुरू करते हैं हमारा ये फ्रेंकी बनाने का, तो सबसे पहले चाहिएगा हमें तवा, तवा कहाँ रखे ला है शायद ये चलेगा, ये दवा हम उसे गर्म करेंगे, ये इसके बाद करेंगे और अब हमें चाहिएगा तेल, ये रहा तेल, इससे थोड़ा ये करेंगे हो गया, ये हम इस रोटी को सेकेंगे, पहले थोड़ा ये देखो थोड़ी ये टाइप है ना, उसके साथ सेकेंगे तो पूरी कड़क हो जाएगी, तो कड़क हो तो मजा आएगा, तो वो हिसाब से अभी मैं साथ तीन ही बनाऊंगा, इस वाला को पूछता वो खाते कि नहीं खाते, अगर वो खाएंगे तो फिर चार बनाना पड़ेगा, चार या पांच, तो ऑलरेडी मैं पांच रोटी ला रहा हूँ, पांच रोटी हो रही है, नमक के चार, हाँ भी सोया सॉस भी ना देगा, ग्रीन सॉस भी ना देगा, इससे टेस्ट मस्त आता है। और हमें चाहिएगा एक तवा, मतलब तबेदा क्या बोलते जो बोलते वो, ये काम आएगा, तो लेट्स स्टार्ट।
ये देखो पूरी कड़क होगा रोटी, इससे रोटी कड़क होएगी। कड़क होएगा एकदम सेम फ्रेंकी टाइप लगेगी। फ्रेंकी आती है एक्चुअली वो अपने मैदे की रोटी आती है, वो पूरी एकदम पतली लेयर आती है वो, लेकिन मैं ये गेहूँ की रोटी में खाता हूँ जो हेल्दी रहेगी। बोल रहा हूँ ये देखो हो गया, हाँ ये अपने आप कड़क हुई रहेगी। अभी हम चीनी बनाएंगे सिर्फ, अगर और भूख लगे तो फिर हम बाद में बनाएंगे, अभी सिर्फ चीनी चलेगा। हो गई या चलो ये रोटी तो कड़क हो गई। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉस से, पहले ना ही सॉस थोड़ा सा, ओ बहुत सब निकल गया तवे को, बस सोना तो सॉस उड़ता है कुछ चलेगा। अब ना ही थोड़ा सेजवान चटनी बहुत सब है बस, फिर ना ही हम सोया सॉस। देखो ये तीन चीज ना की अभी, अभी इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से ना, जो सोया सॉस बाकी है, सोया सॉस बाकी है, रेड चिली सॉस हम उसे नाखेगा। ये बस अब इसे मेल्ट करेंगे थोड़ा सा, जो काफी सही तरीके से स्पाइसी थोड़ा होएगा, जो काफी अच्छा लगेगा इससे। ठीक है ये हो गया, अब हम नाखेंगे चटनी, तो हम साथ लगा के खाएंगे इसके भी नाखते नहीं हम। अब नाखेंगे बॉइल्ड चिकन जो इतना सही है, ठीक है फिर नाखेंगे थोड़ी सी प्याज, हाँ बस इतना। ऊपर से हम ऊपर से नाखेंगे ये माइनस निकल गया भाई, हाँ बस इतना ही है, काफी मस्त आता है। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे बस, ना देखो भाई तार नीचे थोड़ी गया, कड़क तो अच्छी तरह से हो गया। ये इस तरह हम इसे एक फेंकी होगा हमारी बस, अब इसी तरह हम दूसरी भी हम फेंकी बनाएंगे। हो गया अब इसकी बारी, वही सेम प्रोसीजर करेंगे हम, पहले सेजवान चटनी एक भरा देता, हो गया और थोड़ा सा सॉस, सॉस अब ग्रीन चिली सॉस, ये बहुत सही तरीके से बनाई है। मैंने ऊपर से माइनस ना करा लेकिन ये नीचे से नापना चाहिए, देखो अभी कितना सही बनाई है। अब नाखेंगे ये और ये बस हो गया, आओ ये हो गया। अब इसे रखेंगे यहाँ, बहुत ढीले लग रहा है, मैं बहुत टाइम पहले बनाई थी, मैं रमजान पहले बनाया था, मैं इस तरह भूख लगती है तो मैं इस तरह बना लेता हूँ घर में, तो काफी हद तक का सही रहता है मेरे लिए और अच्छा भी लगता है। ये हो गया छोड़ी थी प्याज बस फोल्ड, इसमें माइनस ना लो क्योंकि इसमें को लगता है ये बहुत ज्यादा तीखा बन गया। अब इसे यहाँ रख दिया लोगों, ये तीनों को फुल फुल कर दिया।
इससे ये मस्त हो जाएगी, कड़क 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 खाएंगे एकदम मस्त हो जाएगी। ये हो गया ऑलमोस्ट तैयार, ये हमारे फ्रेंकी बन चुकी है। अब इसे हम खाने टेस्ट करेंगे, मैंने मम्मी पापा को पूछा बोले बना के दे, तो हम खा के टेस्ट करेंगे। वो काफ़ी हद तक की सही बनती है, लेकिन बहुत टाइम बाद बनाना पता नहीं कैसी बनी है। तभी ये पिक्चर देख रहा ढोल भी बुक काफी टाइम बाद मजा आती पिक्चर देख रहा। तो गाइस अभी अभी जस्ट खाना खा कर उठा फ्रेंकी भाई, मजा आ गया खा के। तो अब बात करते जिम का, तो जिम में आज मैंने आम का वर्कआउट करा जो काफी मस्त लगा, ये मसल का इसका इसका अच्छा लगा। और बस आज का व्लॉग अब मैं करने जा रहा हूँ ब्लॉग का एडिटिंग और अपलोड, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ करा नहीं, लेकिन फ्रेंकी मैंकी बना वो उसका भी ब्लॉग आएगा, तो बस इतना ही। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो और मिलते नए दिन के नए व्लॉग में। बाय बाय, सी यू सून।